समाजवादी पार्टी का फार्मूला पीडीए जो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दिया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अब समाजवादी पार्टी ने एक एनिमेशन फिल्म जारी किया है जिसमें क्रिकेट की पिच दिखाई गई है, खचाखच लोगों से भरा हुआ स्टेडियम दिखाया गया है और उसमें बैटिंग करने वाले अखिलेश यादव के बैट पे पीडीए लिखा हुआ है। मज़े की बात यह है कि जो बॉल है उस पर एनडीए लिखा हुआ है। अखिलेश यादव बॉल आते ही पीडीए से उसका मुकाबला करते हैं और वो जो बॉल है उस पर एनडीए लिखा हुआ है और वो बाउंड्री पार चली जाती है। इस फिल्म के जरिए अखिलेश यादव ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि पीडीए का मुकाबला एनडीए से होगा और लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीत दर्ज कराएगी और किसी भी हाल में केंद्र की सरकार जो उत्तर प्रदेश से होकर जाती है, जिसका रास्ता साफ होता है, उत्तर प्रदेश के रास्ते होकर केंद्र की सरकार बनती है, तो उसमें एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी एक हों और इस तरीके से पीडीए बनाम एनडीए के जरिए 2024 लोकसभा चुनाव को भारी मतों से जीता जाए। कैमरामैन सर्वजीत के साथ सत्यप्रकाश सिंह, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। अखिलेश यादव जी, जब से समाजवादी पार्टी की तरफ से बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं तब से उनसे रन नहीं बन रहे, हर बार विकेट खो बैठते हैं। 2014 का चुनाव हारने के बाद 2017 में राहुल गांधी के साथ उन्होंने बैट्समैनी के लिए साझेदारी की थी लेकिन बुरी तरह से पराजित हुए, बोल्ड हो गए। 2019 के चुनाव में मायावती जी के साथ साझेदारी की, फिर भी चुनाव हार गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में केशव देव मौर्य का महान दल और सुभासपा, इनके छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया लेकिन फिर भी रन नहीं बना पाए और अब 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए फिर से उसी जाति मजहब के समीकरण पर पुरानी घिसी पिटी वही रेसिपी लेकर के आए हैं लेकिन अखिलेश यादव जी इसके आधार पर भी रन नहीं बना सकते, जनता उन्हें फिर पवेलियन में बैठाएगी।